हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम्हारे सर का कोई भरोसा नहीं कि कब आते हैं, उस आदमी का कोई भरोसा नहीं कि वो तुम्हारी मदद करेगा या नहीं करेगा, इस कंपनी का कोई भरोसा नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, सो आइए इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे इज एम आर। एम तो नहीं आएगा जनरली, इज या आर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे नॉट। नॉट के बाद हम लोग लगाएंगे रिलायबल। रिलायबल वर्ड का यूज करेंगे। रिलायबल वर्ड का मतलब होता है भरोसेमंद। भरोसेमंद हम लोग हिंदी में कभी कभी ऐसे भी यूज कर लेते हैं, वह मेरा भरोसेमंद आदमी है, ही इज माई रिलायबल मैन, ही इज माई रिलायबल मैन। तुम मेरे भरोसेमंद आदमी नहीं हो, यू आर नॉट माई रिलायबल मैन। मैं उसका भरोसेमंद था तो आई वॉज हिज रिलायबल, आई वॉज हिज रिलायबल। अब वो वाले सेंटेंसेस को देखते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही इज नॉट रिलायबल, ही इज नॉट रिलायबल। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, यू आर नॉट रिलायबल, यू आर नॉट रिलायबल। नेक्स्ट सेंटेंस, उस आदमी का कोई भरोसा नहीं, इस संडेस के लिए बोलेंगे दैट मैन इज नॉट रिलायबल, दैट मैन इज नॉट रिलायबल। नेक्स्ट सेंटेंस, इस कंपनी का कोई भरोसा नहीं, तो इस संडेस के लिए बोलेंगे दिस कंपनी इज नॉट रिलायबल, दिस कंपनी इज नॉट रिलायबल। हे दोस्तों, इसी जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट की जाट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं, मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ, वह उस तरह का आदमी बिल्कुल नहीं है, वो उस तरह की लड़की नहीं है, मैं उस तरह का शिक्षक नहीं था। कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं हिंदी में, मैं उस टाइप का शिक्षक नहीं था, या मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप बोलना चाहते हैं। सब्जेक्ट को लगाने के बाद आपको लगाना पड़ेगा इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा यदि सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो। यदि आपका सेंटेंस पास्ट में होगा तो आपको इज एम आर के बदले वॉज या वर्ब में से कोई एक लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग लगाएंगे नॉट, और नॉट को लगाने के बाद लगाएंगे दैट काइंड ऑफ, दैट काइंड ऑफ, या नहीं तो दैट टाइप ऑफ। उसके बाद लास्ट में लगाएंगे नाउन। नाउन वर्ड जो भी रहेगा उसको लिख देना है। यदि आपका सेंटेंस में बिल्कुल नहीं तो लास्ट में एट ऑल वर्ड भी आएगा, नाउन के बाद एट ऑल वर्ड लगा देंगे। नाउ इस स्ट्रक्चर को बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ बॉय, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ बॉय, या नहीं तो आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ बॉय, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर सेंटेंस को ऐसे बोलना हो, मैं उस तरह का लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ बॉय एट ऑल, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ बॉय एट ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस, वह उस तरह का आदमी नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ मैन, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ मैन। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उस तरह का शिक्षक बिल्कुल नहीं था, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ टीचर एट ऑल, आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ टीचर एट ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस, वो उस तरह का लड़की नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे शी इज नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल, she is not that type of girl. You can also say she is not that kind of girl. Hey दोस्तों, इसी जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट की जाट कीजिए कमेंट बॉक्स में। If you make any mistake, then I'll correct it. Thank you for watching my video.